आप सब उसका पालन करें। गवर्नमेंट की तरफ से हर वो मुमकिन मदद की जा रही है सभी को, यहाँ पर कोई भी भूखा ना रहे, ऐसा हमारे सीएम केसीआर जी कह रहे हैं। अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिहार से आए हुए 30 मजदूर लोग हैं जो यहाँ पर रहकर अपना रोजी रोटी कमा कर खाया करते थे। आज उनके पास में खाने के लिए राशन पानी नहीं है, तो उनको राशन की सहूलियत आज की गई है सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस थे। बहुत से ऐसे लोग आज आगे बढ़कर आ रहे हैं मदद का हाथ लेकर। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मुहिउद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज पर आपकी नजर, हम देते हैं रोजाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। मंगलहाट की TRS कॉर्पोरेटर परमेश्वरी सिंह ने आज अपने डिवीजन के महल्लेजात राजदार खां पेट अलाबंडा चुष्टी चमन में गरीबों में गजाई अजनास की तकसीम की। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के लिए 12 किलो चावल और 1500 रुपए की स्कीम का ऐलान किया है, जिस पर बहुत जल्द अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से गरीबों को यकीनन फायदा होगा। इस मौके पर मोहम्मद खदीर, एमए गौस और मोहम्मद वसीम भी उनके हमराह थे। आज तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग बाहर से यूपी एमपी बिहार उड़ीसा जहाँ से आए, सो लोग यहाँ पे हमारे तेलंगाना राज्य में है, तो उनको राशन के लिए मदद करने के लिए सरकार की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सारे जो पाबंदी है सरकार की तरफ से उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि वो भी सरकार की तरफ से आए सो इंस्ट्रक्शन का पालन करें। कोरोना जैसा भयंकर बीमारी से हमारे इस भारत देश को बचाए। हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कोरोना कितना फैला हुआ है, इससे लोग भयभीत हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं आप सब उसका पालन करें। गवर्नमेंट की तरफ से हर वो मुमकिन मदद की जा रही है सभी को, यहाँ पर कोई भी भूखा ना रहे, ऐसा हमारे सीएम केसीआर जी कह रहे हैं। अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिहार से आए हुए 30 मजदूर लोग हैं जो यहाँ पर रहकर अपना रोजी रोटी कमा कर खाया करते थे। आज उनके पास में खाने के लिए राशन पानी नहीं है, तो उनको राशन की सहूलियत आज की गई है सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस थे। बहुत से ऐसे लोग आज आगे बढ़कर आ रहे हैं मदद का हाथ लेकर, उनको भी मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज इस इतनी कठिन परिस्थिति में वो लोग मदद कर रहे हैं सभी की। आप सबसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, सोशल डिस्टेंस आप लोग मेंटेन करिए, आराम से अपने घर पर रहिए, कोरोना जैसे वायरस को तोड़ने का यही एक तरीका है। आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ मैं। धन्यवाद। परमेश्वरी सिंह, मंगलहाट कॉर्पोरेशन। अभी यहाँ आज हम टोटल 102 मेंबर को सूखा राशन दे रहे हैं, जो 102 सारे बिहार से है यहाँ पर। फिलहाल तो हम लोग इनको राशन दे रहे हैं। अमाउंट जो है सरकार की तरफ से राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल 1500 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, और जिसको राशन कार्ड नहीं है उनको भी कल ही सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि 500 रुपये और 12 किलो चावल उनको भी दिए जाएंगे। यहाँ पर मंगला डिवीजन में 1000 मेंबर का खाने की व्यवस्था की गई है, जो लंच में दी जा रही है और शाम को डिनर में भी दी जा रही है। सुबह 500, शाम को 500, इस तरह पूरे दिन में 1000 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अन्नपूर्णा एजेंसी से खाना भी खिलाया जा रहा है। ये सुबह के टाइम पे हम लोग इंदिरा नगर जो मंगलहाट स्लम एरिया है वहाँ पे सुबह 500 लोगों को फीड किया जा रहा है। शाम को मंगलहाट अनीता टावर हमारे ऑफिस के पास में, वहीं पे उनको खाना दिया जा रहा है। पार्सल ही दे रहे हैं हम, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी को पार्सल पैक कर रहे हैं। हमको अन्नपूर्णा एजेंसी से जैसे ही खाना आ रहा, चावल दाल और सब्जी आ रहा, उसको हम लोग पैकिंग करके जहाँ पे जरूरत है तो जरूरतमंदों तक हम लोग पार्सल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।